अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चिकन की शेल्फ लाइफ कितनी है, हम कितने दिनों तक उसको अपने घर में, होम में, फ्रिज में, फ्रीजर में रख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको दूसरी वीडियोस मिल जाएगी कि आप चिकन को किस तरीके से स्टोर करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉपरली चिकन के शेल्फ लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने चिकन लिया था और चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया है लगभग 10 मिनट के लिए, ताकि इसके पानी बिल्कुल अच्छे से बाहर निकल जाए। और साथ ही मैंने जो है कीमा भी लिया था, कीमा को मैंने अच्छे से वॉश करके इसको स्ट्रेनर में रखा है 10 मिनट से, ताकि इसके पानी अच्छे से बाहर निकल जाए। तो ये दो काम मैंने पहले ही कर दिया था। तो देखिए, चिकन को जो है स्टोर करने में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपने चिकन बाहर से लाया है या आपको डिलीवर हुआ है चिकन, तो वो जो चिकन है ना वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको चिकन स्टोर करना है और आपको जो चीज़ें मिली हैं वो बिल्कुल बासी मिली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि चिकन आप बाहर से फ्रेश लेकर आया, आपने धो लिया, धो के इसको 10 मिनट्स के लिए स्ट्रेन करने के लिए आपने रख दिया। अब हम आगे बात करते हैं कि चिकन को कैसे फर्दर स्टोर करना है। तो चिकन को फॉरन ही हमें जो है पैकेट में रखना है। तो आपको कैसा पैकेट यूज़ होता है, 1 kg का पैकेट यूज़ होता है या फिर 1/2 kg का पैकेट यूज़ होता है, आप बिल्कुल वैसे ही पैकेट में आप चिकन को रखिए। तो ये देखिए, ये मेरे पास 1 kg का डब्बा है और मैं इसी में जो है स्टोर कर रही हूँ चिकन को। तो मैं ये बिरयानी के लिए चिकन मैंने मंगाया है और बिरयानी मैं हमेशा 1 kg या 1 kg से ज़्यादा ही बनाती हूँ, इसलिए 1 kg के डिब्बे में मैं स्टोर कर रही हूँ, ताकि एक बार में मैं फ्रिज से एक डब्बा बाहर निकालूँ और इसको यूज़ कर लूँ। अब ऐसा ना हो कि मैंने जो है 2 kg चिकन रख दिया है, फर्स्ट मुझे यूज़ करना है 1 kg चिकन और मैंने फ्रिज से 2 kg चिकन का पैक बाहर निकाला है, उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया, फिर 1 kg चिकन अलग किया, फिर हमने फ्रीज़र में डाल दिया, तो ऐसे चिकन ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप इस तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप स्टोर करते हैं तो फ्रीज़र में जो ये चिकन है लगभग 1 साल तक ख़राब नहीं होता है, और अगर फ्रिज में आप स्टोर करते हैं तो फ्रिज में अगर आपको स्टोर करना होगा तो फ्रिज के सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ होता है, जहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है, आपको वहाँ पर स्टोर करना चाहिए। तो फ्रिज में ये 1 से 2 दिन तक फ्रिज में भी ये ख़राब नहीं होता है। तो फ्रीज़र में लगभग 1 साल के लिए और फ्रिज में लगभग 2 दिन के लिए चिकन ख़राब नहीं होता है। लेकिन स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी तो मैं आपको हमेशा कहती हूं कि फ्रिज या फ्रीज़र में कुछ भी चीज़ें स्टोर करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं होने चाहिए, जिनको जो है हमें ध्यान देना है। जैसे आपके घर के आपके फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर कैसा है, बहुत गर्मी तो नहीं है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कैसा है, फ्रिज अच्छे से कूल कर रही है कि नहीं, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ कितनी देर तक रहती है या कितनी देर तक जाती है, मींस टोटली डिपेंड करेगा ये कितना अच्छा टेम्परेचर आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं है या फिर जो है फ्रिज की कूलिंग सिस्टम अच्छी नहीं है, तो इसके स्टोरेज पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आप चिकन को इस तरीके से अलग अलग पैक में करके आप चिकन को रखें, ताकि आप उतना ही बाहर निकालें जितना आपको इसकी ज़रूरत है। अब हम कीमे को भी रख लेते हैं, ये 1/2 kg कीमा है और हम इसको भी ये 1/2 kg का पैकेट में बना के रख रहे हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि चिकन जो आपने स्टोर किया है वो सही है या ख़राब हो गया है? आपने चिकन को अगर लिया है और ये चिकन के ऊपर थोड़ा सा ग्रीन कलर का आपको लग रहा है कि ग्रीनिश कलर इसकी स्किन हो गई है, या फिर थोड़ी ग्रेश कलर की स्किन हो गई है, या थोड़ी सी स्किन इसकी चिकनी चिकनी सी लग रही है कि इसके ऊपर एक पतली सी थोड़ा लेयर सी आ गई, चिकनी चिकनीपन की ग्रीसी लग रही है, या इसके अंदर बदबू है, तो चिकन जो ख़राब होता है उसकी बदबू बहुत ही ख़राब होती है, खट्टी सी गंदी सी स्मेल होती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका चिकन सही है या ख़राब है। अगर ख़राब हो गया तो उसको फ़ौरन ही डिस्कार्ड कर दें, इसको हरगिज़ भी आप ना खाएँ। तो आप इस तरीके से चिकन को आप स्टोर करिए तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये कि चिकन जो आपको मिला है वो फ्रेश है, और दूसरा ये कि चिकन आते साथ आपने उसको जो है स्टोर करने के लिए रखा है और उसको बाहर बहुत देर तक आपने छोड़ा नहीं है, और तीसरा ये कि वहाँ का जो है टेम्परेचर कैसा है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जनरली मैं चिकन जो है अच्छे से हमेशा जो है ज़्यादा ही मंगवाती हूँ, 2 kg, 3 kg, 4 kg तक मंगाती हूँ और उसको वॉश करके अच्छे से स्टोर करती हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं चिकन को किस तरीके से वॉश करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, या किन हालात में अगर आप वॉश करें तो उनको अलग तरीके से वॉश करना है और स्टोर करना है। तो फिलहाल ये हो गया है आज का काम, अब मैं इसको जा रही हूँ स्टोर करने, ताकि मैं इसको कम से कम, कीमा तो कम से कम मैं 2 से 3 महीने बाद ही निकाल के खाने वाली हूँ, और इसी तरीके से गोश्त का भी है कि मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं कभी फ़िश आ गई है, फ़िश बन गई है, या कभी दूसरा कोई मीट बन गया है, तो फिर इनकी बारी थोड़ी देर में आती है। तो आप इस तरीके से चिकन स्टोर करिए और फिर मुझे अपना रिव्यू भी दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।